हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कदम के वृक्ष के बारे में तो सुना ही होगा। ये देखिए, ये उसी के पेड़ हैं, ये पत्ते हैं उसके, और इसमें श्री कृष्ण भगवान का निवास माना जाता है। और ये भी आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरपूर है। इसके पंचांगों का उपयोग बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ये बड़े बड़े पत्तों से एक प्रकार के गुण निकलते हैं इसके पत्तों से, और इसके जो फल होते हैं वो नींबू के जैसे गोल होते हैं और सुगंधित होते हैं। ये त्रिदोषनाशक, विषनाशक, रक्त स्तंभक और शोथनाशक होता है। इसका जो फल है वो पकने पर गर्म प्रकृति का और पित्तकारक होता है। इसकी जो छाल होती है वो कड़वी होती है, मृदु और कसेली होती है। यह पचने में थोड़ी भारी होती है। यह विष निवारक और घाव भरने वाली होती है। गर्भाशय संबंधी समस्याओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी है, और रक्त पित्त है, जलन में है, इसमें बहुत ही लाभकारी है। सांप काटने पर इसकी छाल का उपयोग किया जाता है, और ये लघु, रुक्ष, कटु, तिक्त, कषाय, विपाक में कटु और शीतवीर का होता है। सांप काटे हुए रोगियों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। इसके जो फल हैं, काढ़े हैं, तो इसके फल का काढ़ा बनाकर देने से वह ठीक हो जाता है और घाव जल्दी सूख जाता है। और चर्म रोग है तो चर्म रोग वाले के लिए इसकी जो पत्तियां हैं उसका काढ़ा बनाकर देने से बहुत लाभ मिलता है। इसके पेड़ की जो छाल होते हैं उसका काढ़ा हाथों और पैरों की सिकाई करने से चोट है और दर्द है उसमें आराम मिलता है। जो मुंह के छाले होते हैं तो उसके लिए इसके पत्तियों को चबाकर थूकने से जो मुंह के छाले होते हैं उसमें आराम मिलता है। इसके फलों का चूर्ण का सेवन करने से इस दलों में दूध बढ़ता है, और इसकी छाल का काढ़ा पीने से जो विषम जल होती है उसमें बहुत ही लाभ मिलता है, और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके पत्तों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर के कारण जो किडनी, आँखों या स्किन पर जो पड़ने वाले प्रभाव होते हैं वो कम किया जा सकता है। इसके लिए इसके पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर एक गिलास पानी में काढ़ा बनाकर लेना चाहिए, तो उससे इसमें कंट्रोल रहता है। और आप सभी अपने खान पान में ध्यान रखिए और आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग कीजिए, आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल अपनाइए, और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।